तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि सर हमारे पास एमआई का एंड्रॉइड टीवी है या फिर रियलमी का एंड्रॉइड टीवी है, लेकिन इसको चालू करने के लिए या तो आपके पास रिमोट जो है रिमोट का आपको पावर बटन दबाना होता है, या फिर यहाँ पे टीवी के नीचे एक बटन है पावर का, वो हम जब दबाएंगे तभी हमारा टीवी जो है स्टार्ट हो सकता है। तो मुझे एक यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि सर हम कुछ इस प्रकार की आप सेटिंग करके दिखाइए कि विदाउट हम रिमोट जो है उसको भी ना छुए और टीवी को भी यहाँ पे पावर बटन ना दबाते हुए भी हमारा टीवी कैसे ऑन कर सके, इसके बारे में जानकारी दीजिए। इस प्रकार का एक कमेंट आ रहा था तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे टीवी का पावर बटन है, जैसे मैं यहाँ पे दबाता हूँ, ओके, और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो एक रेड लाइट जो है वो ब्लिंक हो चुकी है, और मुझे टीवी को शुरू करने के लिए या तो यहाँ पे पावर का बटन दबाना पड़ेगा या फिर मैं रिमोट जो है, ठीक है, इस प्रकार से मैं रिमोट का यहाँ पे बटन दबाता हूँ तभी हमारा टीवी जो है दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एचडीएमआई का यहाँ पे सेटअप बॉक्स नहीं है, तो आप ये जो सेटिंग है एचडीएमआई के सेटअप बॉक्स के साथ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सिंपल यहाँ पे एक सेटअप बॉक्स है इसके साथ कैसे हो सके ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं टीवी को यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक तरकीब दोस्तों मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, आपको करना यह है कि अगर आप दोस्तों क्या करते हो, जैसे ही यहाँ पे पावर बटन जो है इसको आप परमानेंटली यहाँ पे दबा के रखते हो और वहां पे आप जब जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो आपकी टीवी जो है अपने आप शुरू हो जाता है, लेकिन आप हर बार यहाँ पे पावर बटन जो है वो दबाकर नहीं रख सकते। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ जो है वो कर लिया है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया है जिससे ये पावर बटन जो है वो हमेशा के लिए यहाँ पे दबाकर रख सके। ओके, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वीडियो पॉज कर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों मैंने किया यह है कि मैंने यहाँ पे एक शीस पेंसिल जो है इसको मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पे जो पावर बटन है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इसमें एक छोटा सा नॉब है, तो मैंने शीस पेंसिल को कुछ इस प्रकार से कट किया है कि वो क्या करेगी यहाँ पे फिट जाकर बैठेगी कुछ इस प्रकार से। और ये शीस पेंसिल क्या करेगी हमारे पावर बटन को हमेशा के लिए यहाँ पे लॉक करके रखेगी, तो मैं इसको फिट कर लेता हूं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो मैंने शीस पेंसिल को यहाँ पे रखा हुआ है, इसके नीचे पावर बटन है हमारा, और पावर बटन जो है वो हमारा प्रेस होके रखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अब दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे पावर ऑन करेंगे ना टीवी का, मैंने टीवी का कुछ इस प्रकार से किया हुआ है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं मैंने क्या किया था। अब जैसे हम पावर बटन दबाएंगे, ओके, और रिमोट हमारे पास यहाँ पे है, मैं यहाँ पे रिमोट को पावर बटन जो है दोस्तों मैं यहाँ पे प्रेस नहीं करूंगा और टीवी सीधा हमारा शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पावर बटन जो है वो हमेशा के लिए प्रेस करके रखा हुआ है, रिमोट को मैंने छुआ तक नहीं है, यानी कि सिर्फ हाथ में लिया है मैंने आपको दिखाने के लिए, और हमारा टीवी दोस्तों यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे मैं फिर से बंद कर रहा हूँ, ओके, रिमोट को मैंने यहाँ पे रख दिया है, ओके, अब मैं टीवी को यहाँ से क्या करूंगा, पावर बटन जो है वो मैंने यहाँ पे प्रेस किया है, अब टीवी दोस्तों हमारा सीधा शुरू हो जाएगा, हमें पावर बटन को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे टीवी का भी पावर बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीवी हमारा सीधा शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये ईएमआई टीवी में ही काम करेगा, आपका कोई भी एंड्रॉइड टीवी हो उसमें ये तरकीब दोस्तों 100% काम करने वाली है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से जुगाड़ कीजिए कि आपका पावर बटन जो है वो हमेशा के लिए यहाँ पे प्रेस होके रख सके। तो मैंने यहाँ पे शीस पेंसिल को जो है उसको मैंने यहाँ पे लिया है और इसका यूज किया है, अब मुझे टीवी शुरू करने के लिए कभी भी टीवी का पावर बटन या फिर रिमोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार के और टेक्निकल के ट्रिक देखने के लिए, व्हाट्सएप के ट्रिक देखने के लिए, ये जो वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उस पर टैप कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं कुछ नया वीडियो ला सकूं तो उसके नोटिफिकेशन दोस्तों आपको जल्द से जल्द मिल सकेंगे। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।